हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें हम तेल डाल देंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो तेल अब गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम डाल देंगे गोभी। गोभी को हम चला देंगे। और गोभी को 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो अब 1 मिनट हो चुका है, तो अब हम गोभी को निकाल लेंगे। तेल इसमें है ही, तो इसमें हम डाल देंगे 2 तेज पत्ता, 2 से 3 सूखी लाल मिर्च और 1/2 चम्मच पंचफोरन। इसे हम थोड़ा भून लेंगे। आँच यहाँ पर हम मीडियम कर देंगे। तो अब ये थोड़ा भून चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे और प्याज को मीडियम आंच पर 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। इन सभी को अच्छी तरह से मिला देंगे। इसे भी हम 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे भून लेंगे। 1 मिनट हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप मटर। इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। आलूओं का छिलका हमने हटा दिया है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। 1 मिनट बाद इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन हरी मिर्च का दरदरा पेस्ट। इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे। इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। साथ ही में हम 1 बड़ा टमाटर काट कर डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसे हम भून लेंगे। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें भुना हुआ गोभी डाल देंगे। इसे भी हम अच्छी तरह से मिला देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसे हम भून लेंगे। तो अब 3 मिनट हो चुके हैं, इसे हम एक बार चला देंगे। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। इसमें हमने 2 गिलास पानी डाला है। इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। आँच यहाँ पर हम फूल कर देंगे और इसे ढक देंगे। तो देखिए अब ये उबलने लगा है, इसे हम एक बार चला देंगे। आँच यहाँ पर मीडियम से थोड़ा कम कर देंगे और इसे हम ढक देंगे। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि गोभी अच्छी तरह से पक ना जाए। तो चलिए ढक्कन हटाकर देख लेते हैं गोभी पका कि नहीं। तो देखिए गोभी अच्छी तरह से पक चुका है।
तो अब इसमें डाल देंगे एक छोटी चम्मच गरम मसाला, धनिया पत्ता डाल देंगे। अब गैस यहाँ पर हम बंद कर देंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए इसी तरह ढक कर के छोड़ देंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। अगर ग्रेवी गाढ़ा रखना चाहते हैं तो पानी को थोड़ा और सूख जाने दें, उसके बाद गैस बंद कर दें। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं, इसे हम मिला देंगे। अब आलू गोभी मटर की सब्जी बनकर तैयार है। तो आप भी अपने घर पर इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।